कॉम्बिनेशन करके इस कीबोर्ड का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला यहाँ कीबोर्ड में हमको ये बताइए कि कितना बटन होता है। 104 बटन होता है, ठीक है। सबसे कोना पे एक बटन है जिसका नाम है ESC लिखा हुआ है। अपना अपना कीबोर्ड देखिए, टेबल लिखा हुआ है। इस बटन का आपका जो फोटो खींचे हैं आप लोग अभी, इसके पहले भी मिटाए थे तो उसमें लिखा हुआ है ESC बटन का पूरा नाम होता है एस्केप बटन। एस्केप बटन का मतलब होता है कि कोई चीज को हटाना, ठीक है। तो हटाने का मतलब ये होता है कि कोई हटाना, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आप ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग करते करते अचानक से कोई ये फाइल आ गया, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया अचानक से, है ना। अब हम इसको तुरंत हटाने के लिए ये एस्केप बटन का प्रयोग कीजिएगा तो ये तुरंत गायब हो जाएगा, समझ आया। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है कि अचानक से जो प्रोग्राम आता है उसमें 3 ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्या क्या? तो पहला है, देखो यहाँ पे आप लोग को लिखा है, उसमें फोटो देख लेना, ठीक है। 3 सिंबल उसमें नहीं होना चाहिए, ये 3 सिंबल, ठीक है। अगर तीनों सिंबल एक साथ है तो आपका ESC बटन काम नहीं करेगा, समझ आ रहा है जी सर। वो प्रोग्राम इसके बटन से फिर नहीं हटेगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर गायब है तो आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्राम सामने में आया इसमें वो तीनों बटन नहीं है, नहीं है ना, तो आराम से इसको स्केप से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बटन का नाम क्या है, सवाल उठता है कि ये तीनों चिन्ह को कहते क्या है, ठीक है। तो इसका नाम सुन लो, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, समझ आया। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसका आवाज कर रहे छोड़ दिया, मैक्सिमाइज, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्लोज बटन, ठीक है। तीन बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो जैसे हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं ना, जैसे ये पेंटिंग खोले, ठीक है, यहाँ देखो है ना ऑप्शन तीनों, जी सर। इसको क्लिक करेंगे, देखो मिनिमाइज लिखा है ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे आके बैठ जाता है, ठीक है, नीचे आके बैठ जाता है। अगर हमको इसको फिर उठाना है, क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगर ये कभी कभी हम लोग का देखना ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा खुलता है, साइड पैनल भी कटा हुआ है, ठीक है। तो साइड पैनल कटा हुआ है तो इसको देखो, ये साइड पूरा फुल स्क्रीन में नहीं है, तो ये आपको इस पे क्लिक करेंगे, खाली टच करेंगे, क्या लिखा है मैक्सिमाइज, लिखा है ना, क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन हो जाता है। बंद करना है तो काटने चाहिए क्लोज बटन, समझ आ रहा है जी सर। तो यही वही चीज बोल रहे थे कि ये तीनों बटन अगर रहेगा तो आप इसके बटन का प्रयोग नहीं कर सकिएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक बटन अगर गायब होगा तो इसके बटन दबाने से वो प्रोग्राम हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमाइज बटन, और ये हो गया मैक्सिमाइज, ये हो गया क्लोज, समझ आया। अब दूसरा नंबर आता है टैब बटन पर, ठीक है। ये टैब बटन क्या है, इसका प्रयोग कब करते हैं? टैब बटन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको शब्दों और वाक्यों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस देना होता है, दूरी देना होता है ज्यादा, ठीक है, तब हम टैब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उस समय उदाहरण से लिखाए थे, जैसे जब आप लिखना चालू करते हैं तो ये एक टेक्स्ट इस तरह का ब्लिंक करता है, देखना है ना, ये ब्लिंक कर रहा है ना, साइज बड़ा कर देते हैं, कर रहा है ब्लिंक, यानी कि यहाँ है RAM राम लिख दीजिए, ठीक है, ये ब्लिंक करना चाहिए आगे में। टैब बटन तभी काम करेगा जब टैब मारते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में देखो इसको उठा उठा के लिख रहा है, ठीक है, यानी कि शब्दों और वाक्यों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस देने के लिए हम टैब बटन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको धीरे धीरे स्पेस देना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका नाम है स्पेस। इसको दबाएंगे देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, बट टैब मारते देखो खट खट करके उठ रहा है, ठीक है। अब आता है कैप्स लॉक बटन, ठीक है। कैप्स लॉक बटन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? कैप्स लॉक का बटन का प्रयोग हम लोग अक्षरों
शब्दों को कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने में करते हैं। जैसे जब आप